टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कंप्यूटर साइंस व्याख्याता कौन बन सकता है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी रिपीट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियोस में हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर के बारे में बात की, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्याख्याता के बारे में कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों व्याख्याता की है, आप देख सकते हैं, तो इसमें 50% पोस्ट जो होंगी वो प्रमोशन से होंगी और 50% आपकी एग्ज़ाम के थ्रू होंगी। तो प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन की दोस्तों जो राजस्थान का जो सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर होता है तो उसको अगर 3 साल वो अपना एक्सपीरियंस है उसको, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये थी प्रमोशन की बात। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। तो इसमें आप देख सकते हैं एमई इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमई इन आईटी, एमई इन एमटेक इन आईटी और एमसीए। तो दोस्तों ये आपका एमई एमटेक इन सीएस एंड आईटी एंड एमसीए। तो दोस्तों ये आपकी मास्टर डिग्रीज है, तो ये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी की कौन फॉर्म भर सकता है। तो काफ़ी लोगों के डाउट थे, ये सारे इन वीडियोस में आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल ड्राफ्ट है जो कि वैकेंसी के लिए भेजा गया है गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी है। जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं की है वो तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो ये ना माने कि टाइम निकल चुका है, टाइम आपके पास काफ़ी है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।